हाय गाइस, आज का टाइटल है गरीब का जन्मदिन। सो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो वरना बाद में आप लोग भूल जाओगे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो देखते। भैया आपको पता है कल क्या है? क्या है कल? कल मेरा जन्मदिन है। ओ हाँ, मुझे माफ कर दे बहन, काम के प्रेशर की वजह से मुझे आजकल कुछ भी याद नहीं रहता है। मुझे पता है भैया, आप घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हो। लेकिन तू चिंता मत कर बहन, मैं तुझे तेरे जन्मदिन में कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दूंगा। नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने वैसे भी मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ करा है। मेरे जन्मदिन पर आप मुझे बस प्यार और आशीर्वाद दो, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है बहन। भैया मैं आती हूँ। बहन को ठीक है तो बोल दी मैंने, पर मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या करूँ, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं उसके लिए केक ला सकूँ। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। चलो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सुनिए, दुकान में कोई है? क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? वो भाभी जी, कल मेरे बहन का जन्मदिन है, तो आपके दुकान में जन्मदिन में देने लायक कुछ है? एक काम कीजिए, आप चॉकलेट ले जाइए। पर चॉकलेट का क्या करूँगा मैं? अरे भाई साहब, आजकल लोग चॉकलेट बांटकर भी जन्मदिन मनाते, ये सबसे सिंपल तरीका है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, मुझे चॉकलेट ही दे दीजिए। पैकेट दू या डब्बा? जो अच्छा हो वही दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, 100 रुपए हो गए। बहन जी, आप मुझे ये उधार में दे सकती हो? मैं आपको कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। वो क्या है ना बहन जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो क्यों आया मेरे दुकान पर? मेरी शक्ल देखकर लगता है तुझे कि मैं किसी को उधार दूंगी? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे उधार मांगने की। बहन जी दे दो ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरे हाथों में पैसे आ जाएंगे मैं सबसे पहले आपके पैसे चुका दूंगा। पर बहन जी मुझे ये ले जाने दो। अभी पैसे नहीं है तो बाद में क्या उड़कर आ जाएंगे? चल हट, दो कर की औकात नहीं है और चला आया उधार मांगने। तेरे जैसे बहुत देखे मैंने सामान लेके बाद में पैसे ना देने वाले। दे मेरा चॉकलेट, गरीब कहीं का पैसा वैसा नहीं है और चला है मुंह उठा चॉकलेट मांगने। चल जा यहाँ से। बहन जी ऐसा मत कीजिए ना, मुझे चॉकलेट दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपको कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। चल जा, बोला ना। बहन जी ऐसा मत कीजिए, बहन जी ऐसा मत कीजिए। ये कैसी हरकत है बहन जी, दुकान में आए ग्राहकों का कोई इस तरह अपमान करता है? ये ग्राहक नहीं, ये भिखारी है, भिखारी। उधार में सामान लेने आया था ये। हाँ तो क्या हुआ, उधार मांगने ही तो आया था आपसे, चोरी करने तो नहीं आया था? ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, चोरी भी कर सकते अपने मतलब के लिए। चुप रहिए आप, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ। जब भी कोई गरीब और मासूम आपके दुकान में आता है आप उन्हें इसी तरह अपमान करती हो। अगर आप दुकान में आए ग्राहकों का कोई सम्मान नहीं कर सकते तो अपनी दुकान बंद कर दीजिए। और रहा सवाल इस चॉकलेट का, ये लीजिए पैसे और दे दीजिए इनको चॉकलेट। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? दे दीजिए इनको चॉकलेट, ये लीजिए। बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं आपको बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं भाई साहब, ये मेरी तरफ से आपकी बहन के लिए छोटी सी भेंट, मना मत कीजिएगा। और भाई साहब जिंदगी सरल नहीं होती, आपको जिंदगी में इसी तरह के लोग मिलते रहेंगे, इसीलिए हौसला बनाए रखिए और इनका डट का सामना कीजिएगा। जी जरूर बहन जी, अब मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे बहन। थैंक यू भैया। बहन ये ले, तेरे लिए जन्मदिन का तोहफा। ये क्या भैया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बहन, हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि तू कभी भी ढंग से अपना जन्मदिन नहीं मना पाती है, हर बार तुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे लिए कुछ करूँ। ज्यादा कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए, बस ये चॉकलेट ला सका, सोचा तुझे कुछ खुशियाँ दूँ। पर भैया आपको पैसे कहाँ से मिले? बहन मैंने तेरे जन्मदिन के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उसी में से मैंने ये लिए। कहते हैं आजकल सभी लोग चॉकलेट बांटकर अपना जन्मदिन मनाते, इसलिए मैंने सोचा मैं भी वही करूँ। जा बहन ये चॉकलेट ले जा और अपने दोस्तों को दे, और तू खुद भी खा और खुशियाँ मना। ठीक है भैया, मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को चॉकलेट खिलाती हूँ। हाँ। मैं जाती हूँ, थैंक यू भैया। एक चॉकलेट देने से इतनी खुश हो गई, काश
मैं इसकी हर छोटी छोटी खुशियाँ पूरी कर पाता तो जिंदगी से कुछ शिकायत ही नहीं रहती। मीना, हैप्पी बर्थडे सुषमा। थैंक यू। तू चिंता मत कर, मैं तुझसे पार्टी नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे पता है तेरी औकात नहीं है पार्टी देने की। ऐसी बात नहीं है, मैं लाई हूँ ना तेरे लिए चॉकलेट, ये ले। क्या हुआ मीना, तू हंस क्यों रही है? मुझे पता था तेरी इतनी ही हैसियत है 2 रुपए की चॉकलेट देने की, इसलिए मैं तुझसे पार्टी नहीं मांग रही थी। लेकिन तू है कि अपने ही मजाक उड़ाने पर उतर आई। इस चॉकलेट से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तू खुद ही रख ले अपने चॉकलेट अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। पैसे वैसे नहीं है और आई बड़ी पार्टी देने वाली। ये क्या बोल रही हो तुम, मेरी बहन कितनी प्यार से तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई थी, उसे लेने के बजाय तुम उल्टा उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही हो। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा ऐसा बोलने से इसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। इसे जितना बन पाया इसने उतना करा ताकि तुम्हें खुशी मिल सके, अपने जन्मदिन को यादगार बनाना चाहती थी ये। लेकिन इसकी कोशिश को सराहने के जगह तुम उल्टा इसकी कमियां निकाल रही थी, इस पर हंस रही थी। यही संस्कार दिए तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, ये तुमने बहुत गलत किया इसके साथ। रहने दो भैया, कोई बात नहीं, मुझे इसके किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, आप इसे मत डांटो भैया। देखा मेरी बहन कितनी दिलदार है, इतना अपमान सहने के बावजूद भी तुम्हारी तरफदारी कर रही है। माफ कर दीजिए भैया, मुझसे गलती हो गई। माफी उससे मांगो जिसका तुमने मजाक उड़ाया है। माफ कर दे सुषमा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं मीना, अब दे मुझे चॉकलेट। हाँ देती हूँ, ये ले। और देना। हाँ ये ले। थैंक यू। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट कौन सी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो। और बाकी डिटेल्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत यूट्यूबर को फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।